चलो वेलकम नानियों। अंतिशा ये कौन से जादू तुमने किए, कौन से जादू की छड़ी से बाल लंबे किए हैं? और कहाँ पर छुपी हुई है मेरी प्यारी सी छोटी सी प्रिंसेस? ये रही, मुझे पता लग गया। मैंने आपको ढूंढा है। नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको ढूंढा है। इधर तो आओ, अच्छा दिखाओ कैसी लग रही हो, रेडी हो गई हो? बड़ी प्यारी लग रही हो आप तो। हेयर स्टाइल तो दिखाओ, इतना पारा सा किसने बनाया बाल में? ये हेयर स्टाइल किसने बनाया ब्रिश? आपने, मैंने बनाया। अच्छा चलो खड़ी तो हो, दिखाओ तो सही कैसी लग रही हो। तो ये बस अब्रिश रेडी हो गई है मम्मा के घर जाने के लिए, मेरी मम्मा के घर यानी कि अब्रिश की नानों के घर। और ये इसको घर लेके जा रही हो साथ? वहाँ पे। नहीं ना यार, इसको रख दो, बैग भी ले लिए साथ में, ये भी ले लिए। तो आप ऐसे खेलना ना, इसको नहीं लेके जाओ। रेडी हो गया। हो ही ना गए हो रेडी, आप तो हमेशा से लेजी हो। और अबान की कुछ ड्रेसिंग इस तरीके से, ब्लैक और व्हाइट शर्ट में। लेकिन अबान जल्दी से हेयर स्टाइल बना के आओ ना, लेट हो रहा है, भाग के जाओ। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। और आप सोचोगे कि ये यहाँ पर बैलून्स और लाइटिंग यहाँ पे किस खुशी में हो रही है? ये आप सबके लिए सरप्राइज है, और ये सरप्राइज अभी कुछ टाइम बाद आप लोगों के लिए रिवील हो जाएगा। मैच हार गए, वो तुम के अलावा कोई सरप्राइज कुछ नहीं। अच्छा वो तुम्हारा मसला है, वो तुम्हारा दुख है, मेरा दुख ये नहीं है। क्योंकि मेरे लिए, मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हमारे घर में जो आने वाला है उसके उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। वो तुम्हारा दुख है, उसमें मेरा कोई मसला नहीं है। और ये यहाँ पर दो छोटी छोटी सी क्यूट सी बेबीज बैठी हुई है, एक मंतशा और एक अब्रिश। अच्छा मैं पिछले व्लॉग में मंतशा से मिलकर गई थी तो मंतशा के छोटे छोटे हेयर थे। ये मंतशा, ये कौन से जादू तुमने किए, कौन से जादू की छड़ी से बाल लंबे किए? ये मेरे रियल बाल। बस कर दो मंतशा, ये तो अब आप फिल्म चला रही हो मेरे साथ। सही बता दो जल्दी से, रियल हेयर है? दिखाओ जरा, अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा, जरा पीछे टर्न। हाँ ये वही चीज है, ये वही चीज है जो खुद ब खुद ही बढ़ भी जाते है और छोटे भी हो जाते हैं। हमारे सेलिब्रेशन के लिए सामान सारा, ये बैलून आ गए हैं और ये आ गया फॉयल बैलून। तो ये अब हम इसको डेकोरेट करेंगे सब, ये फ्रंट वाली वॉल पे। यहाँ पर हमने दो बंदों को बुलवाया कि आके ये बैलून वगैरह जरा फुला दे, क्योंकि हमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी, तो ये हमने दो बंदों को बुला लिए। नहीं नहीं फैमिली, ये मैं आपसे मजाक कर रही हूँ, ये मेरे भाई हैं दोनों, मेरे भाई हैं। और ये मेरा भाई है तैयब। तैयब हाय कर दो। हाय। थोड़े अपने बारे में बताओ, क्या करते हो? मैं क्या बताऊँ, कोई अपनी, मुझे पता तुम्हें अच्छाई तो कोई है नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत तुम्हें पता वो बता दो। मैं एज अ फार्मासिस्ट हूँ, वैसे ठीक है, फार्मेसी टेक्नीशियन करता हूँ, ठीक है, हॉस्पिटल में ठीक हो गया। जॉब करता हूँ, और कुछ भी नहीं तुम्हारी जिंदगी में, बहुत बड़ा कुछ भी नहीं इसके अलावा। वैसे अहमद आप करते हैं क्यों सारा दिन? मैं 6 दिन वेला रहता हूँ, इतवार की बगैर छुट्टी होती है, वो फिर आपको पता है फ्री, वो आपको देख के पता लग रहा है। तो नहीं फैमिली, ये मेरे भाई हैं और ये बहुत अच्छे मेरे भाई हैं। तो अब इनसे मैं थोड़ी काम शाम करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे सेलिब्रेशन करनी है, तो इसके लिए मैं सारा डेकोरेट कर रही हूँ। तो ताइये बेटा आप फारिक ना बैठो, आप भी अपने काम पे लगो। ये हमारा डन हो गया है, नाम जो था ये, जब नाम लग जाएगा वॉल पे तो हम आपको फिर इसको दिखाएंगे, शो करवाएंगे। और यहाँ पर अभी बस ये बैलून हो रहे हैं, बैलून सारे सेट हो रहे हैं। यहाँ पर हमने डेकोरेशन अपनी स्टार्ट कर दी है, और ये बच्चे बड़े सारे लगे हुए डेकोरेशन के लिए ना, सब डेकोरेट कर रहे हैं। तो बस ये जल्दी जल्दी से हम सेट करके वॉल आपको फिर दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। हमारी वॉल सारी डेकोरेट हो चुकी है, और ये हमारा जो सरप्राइज था ये मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि ये सरप्राइज किस चीज के लिए था। ये अब आप लोग खुद ही स्पेलिंग करके नाम पढ़ लें कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बाजिल, बाजिल मेरे भांजे का नाम है जो अभी रिसेंटली पैदा हुआ है, तो जिसका व्लॉग भी मैंने अपलोड किया था। तो ये हम उसी की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और वो आ रहा है आज अपनी नानी के घर फर्स्ट टाइम। आप एक्साइटेड हो? कितनी? बहुत ज्यादा हो? गोदी लोगी बाजिल को? नहीं। अल्लाह का करम, फर्स्ट खुश हो, बाजिल आ रहा है आज फर्स्ट टाइम। बहुत खुशी, इतना खुश कि मैं बयान नहीं कर सकता। नहीं वो तो खुशी नजर आ रही है, जितना डेकोरेट किया है घर में, बिल्कुल बिल्कुल सारा प्रोग्राम उस बच्चे के लिए की, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने उसको वेलकम करना है, बिल्कुल आएगा तो उसे हम वेलकम करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे नवासे को लंबी उम्र दे, आमीन आमीन सुमो आमीन, को भी आमीन।
अब आने इंजेक्शन लगवाओ, पेन हुआ है? दिखाओ। रोया नहीं बस। डॉक्टर को दिखाया? नहीं। ऊपर करो ये स्लीव्स, ऊपर करो इसकी, ये देखें जरा, ये इसने क्या किया है। ये सुबह साइकिल चला रहा था और ये साइकिल गली में चलाते चलाते स्लिप हुआ है साइकिल से और गिर गया। पेन हुआ? अब और चलानी है साइकिल? हाँ, वो तो तुमने बाज नहीं आना। ये इस पे ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो लेके आओ ना कटर से, इसको वो कर दो। हाँ करो आराम से मामा, लगना जाए आपके हाथ पे ऐसे। और ये देखिए, ये हमने, ये हमारा केक, वेलकम टू नाना नानी होम। माशाल्लाह से केक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये बस हम अंदर लेके चलते हैं। आगे पहले आप चलाओ। चलो 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 जी, वेलकम नानी हो। उसको क्या पता, छोटूशा तो है वो भी, छोटूशा मेरा बेटा।